हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए बहुत ही प्यारी सी कैप बना के लाए हैं। फुल साइज की है, गर्ल्स कैप है और बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। मतलब बड़ी लड़कियों के लिए, 20-22 साल तक की लड़कियों के आराम से आने वाली है। बहुत स्टाइलिश लगती है, आप इसको किसी भी कलर में बना सकते हैं, एकदम रेडीमेड लुक आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें। मतलब अगर आपको ये कैप पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसके लिए हमने 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है, वाइट कलर की ऊन ली है। अगर आपके पास 9 नंबर का नहीं है तो आप 11 नंबर से भी बना सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम 9 नंबर से बनाएंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना के नॉट करके, एक देखिए स्लिप नॉट किया, उसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच चेन बनाएंगे, ठीक है। पांच चेन बना के फर्स्ट वाली चेन में डाल के इसको ज्वाइन करेंगे, एक छोटी सी रिंग बन जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें एक, दो, तीन, ये तीन डबल क्रोशिया होगी। इसको एक काउंट किया, दो, तीन, चार, इस तरीके से पकड़ेंगे चार। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो सारी वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल पे सारी वीडियो अपलोड हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई हैं तो जाके ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर देखें, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इसके अंदर। टोटल हमने 12 डबल क्रोशिया बनाई हैं, ठीक है। ये 12 डबल क्रोशिया हमने इसके अंदर बना ली हैं और अब इसको इसमें डालकर ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से और सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो में 12 डबल क्रोशिया बना ली, सेकंड रो के लिए देखिए क्या करेंगे, तीन चेन बनाकर देखिए यहाँ पर ज्वाइन किया है, वहीं से हम एक, दो, तीन, तीन चेन बना के और फर्स्ट वाले फंदे को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से उठाएँगे फंदा आगे से, एक, दो, और ये तीन बार में फंदा निकाल दिया, तो फ्रंट पोस्ट बना लिया डबल क्रोशिया। इसके बाद देखिए इसके पास वाले फंदे को उठाएंगे, पहले एक बार निकाला, दो, और ये तीन, वापस इसी जगह फिर से बनाएंगे। फिर देखिए इसके पास वाले में भी दो बार बनाना है, पहले एक बार बनाएंगे, वापस इसी फंदे को फिर से एक बार उठा के फिर बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके पास वाले फंदे को पहले एक बार बनाया, वापस फिर से उठाएंगे फिर बनाएंगे। तो हर फंदे को हमें दो दो बार फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। एक बनाएंगे, वापस फिर से इसी जगह डालकर फिर बनाएंगे, तो दो बार बनाना है। टोटल हमारे पास 24 बन जाएंगी, ठीक है। तो पूरी रो बना के फिर दिखाते हैं आपको। तो इस तरीके से हमने देखिए पूरी रो बना ली है और अब इसको हमने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पर। और अब देखिए फिर से हम तीन चेन बनाएंगे, इसको एक काउंट किया और इस वाले फंदे को उठा के बनाएंगे तो दो हो जाएंगे। दो बार दो फंदे बन गए। अब देखिए बीच में हमें क्या करना है, यहाँ पर बीच में एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया के बाद एक चेन और वापस इसी जगह एक और बनाएंगे तरीके से। तो एक बी स्टिच बन गया हमारे पास और अब फिर से इन दो फंदों को उठा के बनाएंगे। तो पहले वाले फंदे को उठा के बनाएंगे, दूसरे वाले को उठाएंगे, ठीक है। अभी आपको डिज़ाइन थोड़ी सी टफ लग रही है बट थोड़ा बना लेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। बीच में हमें वही रिपीट करना है, एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन और वापस इसी जगह डाल के एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, अब फिर इन दोनों फंदों को हम उठा के बनाएंगे। पहले इसको उठाएंगे,
ये देखिए दोनों फंदों को बना लिया। फिर से बीच में हमें वही रिपीट करना है, पहले एक डबल क्रोशिया, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे हम, आगे आपको बताएंगे आगे क्या करना है। पूरी रो बन गई हमारी, इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर, इस तरीके से ज्वाइन करना है, ठीक है। इस तरीके से डाल के ज्वाइन कर लिया। फिर से तीन चेन बनाएंगे, पहले फंदे को उठा के बनाना है, जो फ्रंट पोस्ट आपको दिखेगा उसको बना लिया। दो फंदे हो गए। अब देखिए बीच में जो हमने फंदा बनाया था इसके अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है। दो डबल क्रोशिया के बाद हमें चेन बनानी है, एक दो, वापस दो बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से दो फंदे आपको फ्रंट पोस्ट दिख रहे हैं, इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। जो फंदे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया दिखेंगे उसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये दोनों फंदे बना लिए, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, बीच में डालेंगे, ये जो बनाया है ना इसके बीच में डाल के दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन और दो डबल क्रोशिया, तरीके से बनाना है। फिर से हमें दो फंदे फ्रंट पोस्ट दिखेंगे, इसको फ्रंट पोस्ट बनाना है। ठीक है, फिर से बीच में डाल के दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। इन दोनों फंदों को उठा के बनाएंगे, पहले इसको बनाएंगे फिर इसके पास वाले को बनाएंगे, इस तरीके से जैसे हम बना रहे हैं ना सेम वीडियो में देखकर ऐसे ही बनाएं आप, आपको समझ आ जाएगा। तो पूरी रो बना ली हमने, फिर इसको ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। फिर से तीन चेन बना के आगे का वर्क स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा हो गया, दूसरा जो फ्रंट पोस्ट दिखेगा उसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये दो फंदे आपको फ्रंट पोस्ट दिख रहे हैं। अब फिर से हम बीच में डालेंगे और यहाँ पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये दो डबल क्रोशिया के बाद दो चेन और दो बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से दो फंदे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, पहला फंदा बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से बीच में डालेंगे, ये दो फंदे फ्रंट पोस्ट बना लिए, दो चेन लेकर फिर से बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से इन दोनों को बनाएंगे, एक और इसको बनाएंगे, दो हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही पूरी रो बनानी है, जैसे अभी हमने बनाई थी ना सेम वैसे ही बनानी है। इसको ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, फिर दिखाते हैं। पूरी रो बन गई हमारी। अब देखिए अगली रो में हमने फिर से दो फंदे बना लिए, बीच में डालना है, यहाँ बनाएंगे एक दो और ये तीन, तीन डबल क्रोशिया बनाना है, तीन चेन, सॉरी दो चेन, एक दो, वापस तीन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब फिर इन दोनों फंदों को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये जो दिख रहे हैं इनको। ठीक है, अब फिर से इसके बीच में डाल के तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, दो चेन और तीन बनाएंगे। फिर से इन दोनों फंदों को बनाएंगे।
इस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, तो पूरी रो ऐसी ही बनाएंगे, इसके बाद एक रो और ऐसी बनाएंगे और एक और, तीन रो हमें सेम ऐसी बनानी है, तीन तीन डबल क्रोशिया की। ठीक है, तीन डबल क्रोशिया, दो चैन और तीन डबल क्रोशिया, इस तरीके से पहली रो बना रहे हैं। इसको बनाने के बाद दो रो और बनाएंगे, टोटल तीन रो हो जाएंगी। ठीक है, इसमें हमने दो रो बनाई थी, अब इसमें एक दो तीन बनाएंगे। तीन रो बना के फिर दिखाते हैं आपको। तो हमने ये देखिए तीन रो बना ली हैं, पहले हम आपको थोड़ा सा तीन चैन लेके फिर दिखाते हैं हमने कितनी रो बनाई है। ठीक है, तो ये तीन तीन डबल क्रोशिया की हमने तीन रो बनाई है, देखिए एक दो तीन, एक दो तीन और एक दो तीन, तो हमने तीन रो बनाई, एक दो तीन, तीन रो बना ली तीन तीन डबल क्रोशिया की। अब हमारी आगे की स्टार्ट होगा, तो क्या करेंगे हम, तीन चैन बना के, ये तीन रो बनाने के बाद देखिए क्या करना है हमें, तीन चैन बना ली और इसके पास वाला फंदा जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। बीच में डालेंगे यहाँ पर, चार चार डबल क्रोशिया हमने बना ली। ठीक है, दो चेन फिर चार बनाएंगे, एक दो तीन और एक चार। ठीक है, फिर से इन दोनों फंदों को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से हम इसमें डाल के चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन और चार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों फंदों को उठाएंगे। ठीक है, तो पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे, इसके बाद हम दो रो और बनाएंगे, टोटल चार रो हम चार चार डबल क्रोशिया के बनाएंगे। एक बन गई है हमारी और हम दूसरी तीसरी तीन रो बनाएंगे। ठीक है, चार चार डबल क्रोशिया के, तो हमने देखिए यहाँ पर तीन रो बनाई है, एक दो तीन, तीन रो चार चार डबल क्रोशिया के बनाएंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तीन रो बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, पांच पांच डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे। तो कितनी रो बनानी है, देखिए पहले तीन चेन बना के इसको उठाएंगे, इसको बना लिया। ठीक है, अब हम बीच में डालकर बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे पांच डबल क्रोशिया। ये पांच डबल क्रोशिया बना लिया, एक एक चेन लेके फिर पांच बनाएंगे हम, एक दो तीन चार और ये पांच। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। अब इन दोनों फंदों को उठा के बनाएंगे। ठीक है, अब फिर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन और पांच बनाएंगे। इन दोनों को उठा के बनाएंगे। ऐसे ही इस रो को पूरा करेंगे, इसके बाद एक रो और बनाएंगे फिर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए दो रो बना ली हैं, पांच पांच की, एक दो तीन चार पांच,
और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, 2 रो बना ली हमने। अब हम बॉर्डर बनाएंगे, 3 चेन बना ली हमने। और देखिए बॉर्डर कैसे बनाएंगे, एक फंदा छोड़ेंगे सेकंड वाले में, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, फिर एक छोड़ेंगे, एक चेन छोड़ेंगे सेकंड वाले में बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ कर यहाँ बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ेंगे यहाँ बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ के यहाँ बनाएंगे। तो पूरी रो ऐसे ही बनानी है, एक चेन छोड़ेंगे सेकंड वाले में बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चेन छोड़ेंगे, इसको बनाएंगे, फिर एक चेन छोड़ के यहाँ बनाएंगे, एक चेन छोड़ेंगे यहाँ बनाएंगे, ठीक है, फिर इसको छोड़कर यहाँ बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे यहाँ बनाएंगे, ऐसे ही पूरी रो बनाएंगे, ठीक है। डबल क्रोशिया से पूरी रो कंप्लीट करेंगे, फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो पूरी रो बन गई है, यहाँ पर हमने उनको ज्वाइन कर दिया। फिर 3 चेन बना के, 1 2 3, 3 चेन बना ली हमने, इसको एक काउंट किया। अब एक फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, इस तरीके से क्रोशिया को डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक फंदे को बैक पोस्ट बनाएंगे, पीछे के साइड से इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। फिर एक फंदे को फ्रंट पोस्ट बनाना है इस तरीके से, फंदे को फ्रंट बनाएंगे, एक फंदे को बैक बनाएंगे, बैक पोस्ट, फ्रंट पोस्ट इस तरीके से बनेगा, आगे से क्रोशिया डाल के बनेगा, बैक पोस्ट पीछे से बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट, तो बस इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे आपको दिखाते हैं। पूरी रो बन गई है, अब अगली रो स्टार्ट हो गई। तो इसके लिए देखिए 3 चेन बना ली हमने, अब यहाँ पर पहले ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है, ज्वाइन करेंगे। तीन चेन बना ली, अब जो फंदा जैसा दिखेगा उसको वैसा बनाएंगे, जो फ्रंट पोस्ट दिखेगा उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, जो बैक पोस्ट दिखेगा उसको बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाना है, बैक पोस्ट को बैक पोस्ट बनाना है। जो फंदा जैसा दिखेगा हमें उसको वैसे ही बनाना है, जो आगे से फंदा दिखेगा उसको आगे से बनाना है, जो पीछे से दिखेगा उसको पीछे से बनाना है। इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, इसके बाद हम 2 रो और बना लेंगे। आपको क्या करना है, जितना भी चौड़ा आप बॉर्डर रखना चाहते हैं उस हिसाब से बना लें। हम इस रो के बाद 2 रो और बनाएंगे, जैसा जो फंदा दिखेगा उसको वैसा बना लेंगे, ठीक है। तो हमारी कैप बन के तैयार हो जाएगी, हम बनाने के बाद आपको दिखाते हैं। बहुत प्यारी सी कैप बन गई है, बॉर्डर हमारा बन गया है, आप लोग देख सकते हैं। लगाने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी है, बहुत सरल है। इसको आप छोटी कैप भी बना सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं बच्चे की बनाना तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसमें अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, जब तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। बाय।